हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एग भुर्जी। एग भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 प्याज बारीक कटे हुए, 4 से 5 हरी मिर्च, करी पत्ता के पत्ते हैं, 1/2 इंच अदरक ग्रेट करके, यहाँ पे हरा धनिया लिया है, टमाटर 2 लिए हैं बारीक काटकर, मसालों में गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, और यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अंडे। पैन गरम होने के लिए रख देते हैं। अब इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, गैस को धीमी आंच पर कर देते हैं। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और हरी मिर्च डाल देते हैं। इसी के साथ अदरक भी डाल देते हैं। फ्लेम को हाई कर दीजिए। करी पत्ता ऐड कर देते हैं। प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते रहना है। प्याज को लगभग 10 मिनट तक भून लिया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसमें डालते हैं टमाटर। इसके साथ ही डालेंगे नमक 1/2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच और हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। मसालों को अच्छे से मिला देंगे। फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिए। आपको यहाँ पे 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। प्याज आपको ज़्यादा फ्राई करके लेना है गोल्डन ब्राउन, और थोड़ा सा तेल ज़्यादा यूज़ करना है ताकि हम जब एग डालें तो अच्छे से फ्राई हो सके। ये हमें इसीलिए करना है ताकि एग का जो एक ऑर्डर रहता है, नॉन वेजिटेरियन फिशी ऑर्डर जो रहता है, वो नहीं आता है। मसाले पक चुके हैं, टमाटर भी अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। अच्छे से मिला लीजिए। याद रहे गैस हमारा लो मीडियम हीट पर ही है। अब हम इसमें अंडे डाल देते हैं। गैस को हाई फ्लेम पे कर दीजिए और सब मिला दीजिए। इस तरीके से आपको मिला लेना है। याद रहे इस पे ढककर नहीं लगाना है, ऐसे ही हाई फ्लेम पे फ्राई करते जाना है। ऐसा करने से इसमें से जो कुछ ऑर्डर आता है फिशी, जो हम पसंद नहीं करते हैं, वो ऑर्डर नहीं आएगा। अभी आप देख सकते हैं अंडे का गीलापन सब निकल चुका है। अब गैस को लो कर देते हैं और 5 मिनट तक ऐसे ही सेकने देते हैं। 7 मिनट हो चुके हैं। 7 मिनट तक मैंने इसे फ्राई कर लिया है लो फ्लेम पर। भुर्जी रेडी है। आप इसे पाव के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं, दाल राइस के साथ भी खा सकते हैं।
बहुत ही टेस्टी डिश है ये।